खबर छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने महंगाई के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भी पेट्रोल और डीजल महंगा है, खाने का तेल और रसोई गैस भी महंगा है। महंगाई पर नोटबंदी और जीएसटी का असर नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही पदयात्रा को लेकर पीएल पुनिया की राजीव भवन में पत्रकार वार्ता थी, लेकिन चर्चा के दौरान महंगाई का मुद्दा ही हावी रहा। पुनिया ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ते हैं। एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने लगातार बढ़ाई है। 2014 में 9 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया है। एक्साइज ड्यूटी 3 से बढ़कर 28 रुपए किया गया। साथ ही कहा कि यूपीए सरकार के दौरान एक्साइज ड्यूटी 99,000 करोड़ रुपए था, लेकिन मोदी सरकार हर साल 4 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की वसूली कर रही है। अब तक 25 लाख करोड़ वसूली कर चुकी है।